ओ बिलैया बिलैया, ये बैठो, रोटी खाएगा? रोटी बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। देखो चूल्हा उधर शांत हो रखा है और गैस जो है इधर जल रहा है और उसी में माँ रोटी बना रही है। माँ चूल्हा, और ये है मेरी माँ जी का iPhone 15। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस पर्वतीय अंचल से हम अपने इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और ये देखिए बाहर का मौसम, अभी समय हो रहा है 6:45 प्रातःकाल, और आज पूरी प्रकृति को कोहरे ने अपनी चपेट में ले रखा है। आज भी मौसम जो है पूरी तरह से साफ सुथरा हो रखा है, चटक धूप खिली हुई है। सुबह चाय पी करके माँ गौशाला में चली जाती है, ये माँ जी का डेली रूटीन है। उसके बाद माँ घर में आई, मैंने रोटी और सब्जी बना ली थी, सब्जी तो रात की थी, रोटी बनाई। अब हम सब लोगों ने रोटी सब्जी खा ली है और चाय भी पी ली है, और अब माँ जी की ड्यूटी होती है घास काटने की। इसके बाद मतलब 11-12 बजे तक माँ खेत में रहेगी, फिर गायों के लिए घास लाएगी, तब तक मैं घर में खाना बना के तैयार रखूँगा। पिताजी अभी किचन में हैं, नाश्ता कर रहे हैं। और ये है हमारा छज्जा, ताल उबर छज्जे में डाल रखे हैं मूंगरी सुखाने के लिए। ये बीज की मूंगरी बड़ी मुश्किल से बचाई बांदरों से, आपकी बात ये तो सब खा देते हैं। और ये है फाले, इनको हमारे यहाँ बोलते हैं रयास। इनको सुखाएंगे, फिर इनके अंदर से जो दाने निकलेंगे उनसे बनेगी दाल। माँ जी आज तो आई जोन में घास खाने ना, ना, ना। के ले? तो दिया मां काम कर दी, क्या करण मिल दिया तुम? दिया में चादर धोनी बाबो। अच्छा कोपन भूनो लाना कद कच्चा दरा तीन तो लोगो तो ये देखने दिन कोपन झट गया, ये वो आ गया, ये तो एक रजिस्टर पकड़ लिया मार वो हाजिर लगा तो सभी के हाजिर के लगा में लोगों की। और ये है मेरी माँ जी का iPhone 15, काफ़ी सालों से चल रहा है ये, क्योंकि माँ बड़े फ़ोन नहीं चलाती है, इसकी बैटरी भी लंबे समय तक चलती है और इसको चलाना भी आसान होता है। ले माँ जी तैयार iPhone। आईफोन च आईफोन देखण जूता ले आना पड़ा ले भाई दूसरा क्यों पर कांडूल बैठन ताल बटी मुलायम होगी ना। और ये रख लिए गायों के लिए पानी की बाल्टी, पानी की बोतल भी इसमें डाल देना, इसको इसी में रख देते हैं बस जी। तो गोरोल भाजना आराम से जे, हाँ मिलान के अच्छा नहीं तो ये तो काम कर दो। अब गुणो तो अभी देख भाई रहा, हाँ भाई बेल तो गुणो लाफत निकाल छे। कल दिन में बहुत सारे लंगूर आए और हमारे सारे भट खा के चले गए। पीछे के खेत में भट बो रखे थे ना, तो तहस नहस कर दिया उन्होंने। तो आज माँ बोल रही है कि जो अपनी घर में रहने की ड्यूटी है उसको सही ढंग से करना, क्योंकि वो डेली आते हैं दोपहर के टाइम पे। ऊपर जो बड़े बड़े पेड़ हैं ना उनमें बैठ करके वो पहले रेकी करते हैं यहाँ कि कोई घर में है कि नहीं, और जब 5-10 मिनट तक किसी को नहीं देखेंगे तो उसके बाद एकदम से धावा बोलते हैं। फिर तो ये है हमारा तांबे का एक बड़ा सा तोला, बिल्कुल 24 कैरेट तांबे का। तो इसमें भिगाए जाएंगे आज चद्दर, चद्दर निकालते हैं अभी बेड से और फिर इसमें आज उनकी धुलाई होगी। तो ये देखिए ये बन गया है फेन, फेन यानी कि झाग। अब इसमें डाले जाएंगे चद्दर और तकिए के कवर और पिताजी के हैं कुछ कपड़े, सब भिगाने इसमें और उसके बाद उनकी होगी धुलाई। वाह ये देखो बर्फ़ जैसा बन गया ना पूरा।
आ गया देखो भोटू, घूमते घामते आ ही जाता और ढूंढते ढांढते मेरे को। अरे ढूंढ, रोटी खाएगा रोटी, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा मौसम। पूरे गांव का भ्रमण करके और अभी पहुंच चुका है हमारे घर में। देखो मस्त है ना बोटू, बोटा ये बोट, रोटी खाएगा रोटी, बैठ जा बैठ जा बैठ रहे बैठ जा बैठ जा छाया में बैठ जा। आऊंगा जा, यम्मी दे जा। भूख तो लगी मेरे और तो कुछ शादी की बोटा धर्मराजी डिस्ट्रिक्ट जगड़ी में इनका कुत्ता था। अमलना नंपार चाहिए हाई स्कूल अंपार किंग डिस्ट्रिक्ट एंड हिज डॉग लास्ट टाइम लेखा कल कहानी बंद कर दे, क्वेश्चन छोड़ी गए, क्वेश्चन छोड़ी गए कि आपके लिए जो है वो स्वर्ग जाने के लिए ये विमान आया है। उन बाल भाई ये शरणागत है, मैं इसका परित्याग नहीं कर सकता हूँ ऐसी स्थिति में, हिमालय में पहुँच गए वो लास्ट। मूलवाल साहब ये आप जैसे सत्यवादी राजा के लिए ये विमान आया है, सदैव आप स्वर्ग जाएंगे। युधिष्ठिर का ना? हाँ। मूलवाल कुत्तों के लिए नहीं है। अब हमने आगे की कहानी भी नहीं पूछी किसी से, जब हम सयाने हो गए तब पूछ मिल के अच्छु जानकार था ये। जा अब चला गया, एक चक्कर लगा के सीधे भाग जाएगा। तो फाइनली अब पिताजी के कपड़े भी धो दिए हैं और यहाँ पर धो रखे हैं चादर, इनको सुखाने के लिए यहाँ डाल दिया है एक दो, और उधर भी सूख रहे हैं कुछ कपड़े नीचे, और बाकी उधर डाल रखे हैं जिंगले में। आजकल असूच का महीना चल रहा है, लोग खेतों में घास काट रहे हैं। अगर पहले की बात होती, आज से 8-10 साल पहले की, तो इस समय बहुत व्यस्त रहते थे हम लोग भी, मतलब घर में नहीं रहते हम इस समय, हम लोग रहते खेतों में, कुछ ना कुछ काम करते रहते। लेकिन अब धीरे धीरे खेती कम हो रही है, तो इस वजह से काम करने के लिए भी नहीं है उतना। माँ जा रखी है बंजर खेत हैं उनमें से घास काट के लाएगी, और अभी किचन में हमने चढ़ा रखी है गैस में घर्रिया दाल, घर्रिया मतलब अपनी घरेलू पहाड़ की दाल, तो दिन में बनेगा दाल चावल। और अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है काम करने का, क्या पता खेत में जाऊँ। वैसे तो माँ ने मना कर रखा है कि खेत में मत आना भाई, पर क्या पता चल जाऊँ थोड़ा घास लूँ माँ दगड़ बैठे। माँ जी को मैंने अभी कॉल की थी घर से, तो माँ ने बोला कि तू मत आ घास के लिए, मैं खुद ही घास ले आऊँगी। तो अब पिताजी जा रखे हैं खेत में, क्योंकि उन लोगों को खुम लगानी है। खुम को हमारे यहाँ बोलते हैं पलखुंडा भी बोलते हैं, खुम भी बोलते हैं, सूला भी बोलते हैं। तो घास को संरक्षित करके रखा जाता है सर्दियों के लिए, तो किसी पेड़ पे या किसी मोटे से डंडे पर घास को लगा दिया जाता है, गट्ठे गट्ठे बना करके ऊपर तक, उसके अंदर पानी नहीं जाता है। तो अभी टाइम हो गया है 12:04, और अब मैं बनाता हूँ दोपहर का भोजन। तो अभी दोपहर का भी खाना बन चुका है, अभी खाया नहीं है हमने। पिताजी कुछ काम कर रहे हैं मंडुए में, जो भूसा मिला हुआ रहता है ना उसको अलग कर रहे हैं अभी। तो हमारे घर में जो नेचुरल हवा है, प्राकृतिक वायु है, वो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि यहाँ पर खुला खुला वातावरण है। तो आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे भी कितने हिल रहे हैं, और बहुत अच्छी हवा चल रही है इस समय यहाँ पर। तो फिर जो अनाज है उससे भूसा अलग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। रुक तो जाए, भी बर्तन भी धुल गए, अभी इनको सुखाने डालना है यहाँ पे। ये रहते हमारे छत में, ये आएंगे ऐसे। देख मैं तो बड़ो टाइम लगा ना भांडा धोना, अमिल चट धो दी तो फिर तब तुम्हें बोलो मैं धो दी फटाफट। खाना खा लिया है, बर्तन भी धुल चुके हैं, और अब करेंगे हम लगभग 1 घंटे आराम।
फिर जब उठेंगे उसके बाद तुरंत बनेगी चाय और फिर वही माँ जी का शाम का काम, गाय बच्ची निकालने जाएगी गौशाला में और घास के लिए भी जाएगी और मैं देखता हूँ मुझे क्या काम मिलता है शाम के लिए। तो मिलते हैं एक घंटे के बाद। तो कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है और बाहर आंगन में है हमारा चूल्हा और इसमें जला लिए मैंने आग और इसमें गौ माता के लिए रखा गया है पिंडा, बीड़ू के पत्ते रखे हैं आज, तो इनको उबाला जाएगा और फिर इसमें हल्के से कुछ और भी सामग्री डाली जाएगी, खाद्य सामग्री, और सुबह के लिए उनका नाश्ता तैयार। ये देखो जरा, तेंदुए की छोटी बहन आ गई यहाँ। तेंदुए की छोटी बहन कहाँ से आ रही है? तो कहाँ से आ रही है? आ जाइए ना, चलिए चलिए, ये छोड़ा हो जाओ, हम चल गया। ये बिल्ला, ये बिल्ला, 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 ओहो ओहो, अनियार का ना कोई तो दूर जाना भी। इधर इधर, अभी कुछ नहीं मिलेगा तुझे, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे, अभी कुछ नहीं, अभी हमें रोटा बनानी तब बनानी, तब मिलन की था रोटी और दूध, रोटी और दूध, ठीक है। जगह को जानो जी, हम बैठो लो आता। अभी जा तू, अभी जा, थोड़ी देर में आना। ओ बिलैया, बिलैया ले दी, ले आ जा, आराम से पे, आराम से। तो बड़े बने ना गोल, शानदार शानदार। अभी तो ना जाएंगे हुए थे। बस और पीना, और लाऊं तेल ले, रुक जा, तुम्हें और ले आना अभी, रुक जा। हाँ, तो अभी टाइम हो गया है शाम के 7:38, शाम के क्या मतलब रात के 7:30 हो रहा है अभी, और सब्जी बन चुकी है, सब्जी मैंने बना दी थी शाम को, माँ जी अब रोटी बना रही है। देखो चूल्हा उधर शांत हो रखा है और गैस जो है इधर जल रहा है और उसी में माँ रोटी बना रही है। माँ चूल के लिए नहीं जला तिल, नहीं जला अंदर है, सो हम सोंगा बनाऊं ये तो कम रोटा। अच्छा बोली हुए, टाइम भी लगन दे, हम चार रोटी तो कुल बनाने नहीं, दो में एक तो खड़े। चलो ठीक है, तो अब हम कुछ देर में भोजन करेंगे और उसके बाद फिर सीधे सोने की तैयारी, 9:30 तक सो जाते हैं हम। और सोने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जरा अपनी बिलैया कहाँ सो रखी है इस समय। बाहर चलते हैं, बाहर अभी घुप अंधेरा हो रखा है, ये देखिए। और ये महारानी, इसने एक जगह बना रखी है यहाँ पे अच्छी सी। ओ बिलैया, सो जा सो जा सो जा, ये देखो जरा, ये सो रखी है यहाँ पे। निन्नो आ रही है, बोरी में अच्छी जगह बन रखी है ना तेरे लिए, है ना, बढ़िया। सो जा, चल सो जा, आराम से सो जा। तो चलो अब बिल्ली के दर्शनों के बाद अब इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक आप अपना और अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखिएगा और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर, शुभ रात्रि।